कोई अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर सके तो हम उस ब्रांच मैनेजर को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग अकाउंटिंग उसे कहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें तुम दे दो बाकी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे उस ब्रांच का ठीक है तो उसमें हमने देखा कि डेटा सिस्टम या इनकम स्टेटमेंट सिस्टम जिसको फाइनल अकाउंट सिस्टम भी आप कह सकते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेटर सिस्टम के तहत जिसमें कि आप ब्रांच अकाउंट बनाकर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इनवाइस प्राइस की इन्वॉल्वमेंट भी बता दी थी अब इनवाइस प्राइस या परफॉर्मा इनवाइस प्राइस ये इनफैक्ट कॉस्ट से ज्यादा होती है और हम ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पर भेजने की बजाय फॉर्मा इन प्राइस पर सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि वो ब्रांच मैनेजर कहीं ये ना मालूम कर ले कि हम कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हैं ठीक है जस्ट अपने प्रॉफिट्स को छुपाने की खातिर उस ब्रांच मैनेजर से कहीं वो हमारा कंपेटेटर के तौर पर वहां अपने नाम से एक बिजनेस शुरू कर दे और हमें एक टफ टाइम दे ओके तो वहां पर हम फिर कॉस्ट को छुपा कर एक परफॉर्मा इन वॉइस रेस करते हैं जो प्राइस ऑब्वियसली कॉस्ट से ज्यादा अब उस ब्रांच मैनेजर को तो यही पता है कि जो गुड्स मुझे भेजी गई हैं वो हंड्रेड रुपीज की नहीं बल्कि हंड्रेड फोर्टी रुपीज की हैं सपोजली कॉस्ट हंड्रेड है और हमने उसमें फोर्टी शामिल करके जिसको मैंने लोडिंग कहा था याद है ना फोर्टी उसमें लोडिंग शामिल करके हंड्रेड फोर्टी फॉर्म परफॉर्मा वाइस भेज रहे हैं अब ब्रांच मैनेजर नोज के द प्राइस ऑफ द गुड्स विच ही हैज रिसीव्ड इज रुपीज और उसको अगर वो वन फिफ्टी में सेल करेगा तो वो कहेगा जी दस रुपए का प्रॉफिट है क्या जरूरत है इस बिजनेस को चलाने की जिसमें के इतना प्रॉफिट ही ना हो और अगर उसको हंड्रेड और वन फिफ्टी का डिफरेंस मालूम होगा तो वो फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट पर कहेगा ओके जी इसको तो चलाया जा सकता है इसलिए हम उससे एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर छुपाने की खातिर परफॉर्मा इन रेज करते हैं और फिर हमें जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसकी तरफ से लाइक like वो कहता है कि जी मैंने इतनी गुड सेल कर दी वन फिफ्टी रुपीज ईच के हिसाब से अब उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट करते हैं के रिवर्सल के जरिए से रिवर्सल किस चीज की वो लोडिंग जो हमने फोर्टी रुपीज की उसमें डाली थी उस 40 को हम एलिमिनेट कर देते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ठीक है इस पर मैंने एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन आपको करवाई थी जिसमें के जो इंफॉर्मेशन अफेक्ट होती है इस लोडिंग की वजह से उस इंफॉर्मेशन को हमने देखा था कैसे अकाउंट फॉर करना है और वो मैंने आपको बताई थी तीन इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक ओपनिंग स्टॉक एक एंड और एक क्लोजिंग स्टॉक अब ये ओपनिंग स्टॉक गुड सेंट और क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमने ब्रांच को इनवाइस प्राइस पर रिपोर्ट की हुई है वो जब हमें इनवाइस प्राइस पर मालूम होगी तो हम उसमें से लोडिंग का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे ठीक है और वो जो लोडिंग का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए एंट्री पास करेंगे ऑब्वियसली रिवर्स साइड पर करेंगे लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात आपको बताई थी अब रिवाइज करवा रहा हूं स्लाइड के जरिए से आप इसको देखिए आपको स्लाइड पर नजर आ रहा है कि हमारे पास एक टी अकाउंट है इस टी अकाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट नजर आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक भी एट कॉस्ट नजर आ रहा है जबकि गुड सेंट टू ब्रांच आपको एट इनवाइस प्राइस नजर आ रही है तो जो गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस यानी कि वन परसेंट पर अगर सपोजली नजर आ रही है तो उसमें जो 40 परसेंट एडिशनल अमाउंट है उसको हम रिवर्स करते हैं तो आप देखिए टी अकाउंट पर ही आपको क्रेडिट साइड में ये एंट्री नजर आ रही है रिवर्सल ऑफ लोडिंग फॉर गुड सेंट टू ब्रांच तो वो सेंट टू ब्रांच में जो फोर्टी आपने एडिशनल अमाउंट लिखी थी उसको आपने रिवर्स कर दिया क्रेडिट साइड पर यहां मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर ही रिपोर्ट करते हैं इन अ वे वो ब्रांच मैनेजर है जिसको कॉस्ट मालूम नहीं जब वो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को रिपोर्ट करेगा तो वह इनवाइस प्राइस पर ही रिपोर्ट करेगा लेकिन हम वहां पर कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हुए उसको ब्रांच स्टॉक को ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक को पुट कर देंगे हां रेगी बात गुड टू ब्रांच को हमने क्यों कॉस्ट पर डायरेक्टली नहीं लिखा ताकि हमें ये रिवर्सल ही ना करना पड़ती वो इसलिए कि गुड टू ब्रांच डॉक्यूमेंटेड होती है एक सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने उस इंफॉर्मेशन को उठाना होता है और अकाउंटेंट सोर्स डॉक्यूमेंट को कभी नहीं छोड़ता वो सोर्स डॉक्यूमेंट है परफॉर्माई इन वॉइस द अमाउंट रिटर्न ऑन दैट सोर्स डॉक्यूमेंट विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अब सोर्स डॉक्यूमेंट पर अगर एक पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो द सेम फिगर विल बी प्लेसड और विल बी यूज इन द अकाउंटिंग एंट्री अब वो अकाउंटिंग एंट्री में हम उसको इनवाइस प्राइस को यूज कर रहे हैं और लोडिंग ऊपर से फिर रिवर्स कर रहे हैं एडजस्टमेंट के तौर पर ताकि ब्रांच अकाउंट हमें दुरुस्त प्रॉफिट की फिगर दे ओके okay? सो so, बुनियादी बात इसमें याद रखने की ये है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर इनवाइस पर दिया हो तो आपने उसको कॉस्ट पर शो करना याद रहेगी बात और दूसरी अहम बात इसमें जहन में रखने की यह है कि गुड सेंड टू ब्रांच आपको इनवाइस पर दी होगी आपने इनवाइस पर ही ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखनी है और बाद में उसकी रिवर्सल आपने ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है तब जाके वो ऑटोमेटिकली आपको एक करेक्ट फिगर दे देगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा क्रेडिट डेबिट के साथ अच्छा इस पर अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगाऊं इसमें हमने जिस चीज की तरफ आप तवजो तो देनी है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेशन रिलेटिंग टू द इन प्राइस एंड लोडिंग इस कैलकुलेशन में हम जो चीज देखेंगे वो हमारे लिए नई नहीं, नहीं होगी हमने आपको याद होगा मार्कअप और मार्जिन की कैलकुलेशन की हुई है मार्कअप और मार्जिन की कैलकुलेशन में हमें स्पोजली अगर कहा जाता था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% परसेंट ऑफ सेल्स तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को 20% परसेंट रखते थे और सेल्स को 100% परसेंट रखते थे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम 80% परसेंट रखते थे ऐसी बात याद है आपको अब इसमें ये वो बात है जो कि मैंने आपको सिंगल एंट्री में सॉल्व करवाई हुई है कई मरतबा इसलिए ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा ओके सिंगल एंट्री के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं इसको अब उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उस गिवन इंफॉर्मेशन की अपनी परसेंटेज से उसको आपने डिवाइड किया था और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी उसकी परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई किया था याद है स्लाइड देख लेते हैं आपको याद आ जाएगा देखिए जी स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है अब ये मार्जिन रेट जो है इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेल्स लिहाजा ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट है सेल्स आपको हंड्रेड परसेंट नजर आ रही है क्योंकि मार्जिन की बेस सेल होती है और बेस हमेशा हंड्रेड परसेंट होती है और कॉस्ट आपको एटी परसेंट मालूम हो रही है अब सपोजली हमें सेल्स नहीं मालूम कॉस्ट मालूम है तो हम उस कॉस्ट से इस ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करेंगे आप स्लाइड पर देख रहे हैं इस वक्त आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर नजर आ रही है सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज की अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज टर्म में है इसकी परसेंटेज एटी परसेंट है मालूम करना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो हम सिक्सटीन हंड्रेड को एटी पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी से तो हमारे पास आ जाएगा फोर हंड्रेड रुपीज अब जनाब ये जो 400 है ये आपका प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को तो देखिए जब 1600 में आप प्लस करते हैं तो सेल्स आपकी बन जाती है 2000। अब उस 2000 का आप डायरेक्टली 20 परसेंट देख लीजिए कैलकुलेशन में नजर आ रहा है 400 रुपीस ही आएगा सो आपने चीज देखी कि जब आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट टर्म्स में ना हो तो जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उस गिवन इंफॉर्मेशन की परसेंटेज से उसको डिवाइड करके आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द रिजल्ट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको मालूम हो जाती है सो so, अब जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूं उसमें भी कुछ थोड़ा सा इसी किस्म का रोलाउट हो, होगा जो आप देखेंगे कि जिसमें हमें इनवाइस प्राइस और लोडिंग और कॉस्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर चलना होगा अब यह चीज जहन में रखिएगा कि कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इन प्राइस जिस तरह वहां पर कॉस्ट प्लस क्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल थी इस तरह से यहां पर कॉस्ट प्लस लोडिंग मैंने आपको पहले बताया कि लोडिंग यह वो नहीं है कि आपने कमर पे कुछ लादा और लेकर जा रहे हैं दिस इज नॉट दैट लोडिंग लोडिंग है जो आपने कॉस्ट पर ला दी और उसको एक परफॉर्मा इनवाइस प्राइस बनाया ठीक है तो आपने कॉस्ट पर एक वजन डाला प्रॉफिट का उस कॉस्ट को कंसील करने के लिए और बना दिया आपने एक परफॉर्मा इनवाइस प्राइस सो आप कह सकते हैं कि परफॉर्मा इन वाइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग और अदरवाइज आप इसको यह भी कह सकते हैं बेशक साथ साथ लिखते जाइए लिखिए सेल्स इज इक्वल टू परफॉर्मा इन वाइस प्राइस एक बात तो ये जेन में रख लें और कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू लोडिंग अब आपको बातें आसानी से समझ आ जाएंगे जिस तरह सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट था इसी तरह से आपकी परफॉर्मा इन वाइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग है अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं ये कैलकुलेशंस जो कि पहले भी आप कर चुके हैं इसलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन को देखेंगे तो जी आपको इस वक्त स्लाइड पे अब क्वेश्चन नजर आ रहा है ये एक बिजनेस है जो अपनी ब्रांच को कॉस्ट प्लस 25 परसेंट लोडिंग पर गुड्स भेज रहा है और बाकी की शराय सादा है कि तमाम कैश सेल्स हैं ब्रांच पर और डेली कैश जो है हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है और हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच के एक्सपेंसिस वगैरह मीट करने के लिए कैश भेजता है बहरहाल रिक्वायर्ड इसमें यह है कि हमें डेटर सिस्टम के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ब्रांच का डाटा देखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक इनवाइस प्राइस पर दिया हुआ है हमें थ्री थाउजेंड रुपीज का और गुड सेंट टू ब्रांच इन वाइस प्राइस पर है ट्वेंटी फोर थाउजेंड की अब इन वाइस प्राइस मीनस कि यह इंक्लूसिव ऑफ लोडिंग है यानी कि यह कॉस्ट नहीं कॉस्ट प्लस लोडिंग है यानी कि कॉस्ट नहीं कॉस्ट में लोडिंग शामिल की हुई है तब जाकर ये अमाउंट बनती है रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच जो हमें ब्रांच से पैसे मिले वापस 25,000 के पेड बाय हेड ऑफिस फॉर संस पैंतालीस सौ रुपए के हैं और रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच ले जी ये भी इन वाइस प्राइस पर हमें वन फिफ्टी की अमाउंट नजर आ रही है और क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच पर हमारा एट थाउजेंड रुपीज का ये भी इनवाइस प्राइस पर है अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हैं तो सादा ही हमने लास्ट लेक्चर में भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गुड गुड्सेंट वगैरह को देखा था कैश सेंड और कैश रिसीव्ड इसमें एक इन्फॉर्मेशन गुड्स रिटर्न के रेफरेंस में वो भी इनवाइस प्राइस पर मौजूद है और बहरहाल जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गुड सेंट ये सारी इंफॉर्मेशन इनवाइस प्राइस पर है कॉस्ट नहीं बताई हुई अब देखें मैंने आपसे कहा था कि ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर लिखना है कॉस्ट बताई नहीं हुई हमें क्या मालूम है कि कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द कॉस्ट गिव्स अस द फिगर ऑफ इनवाइस प्राइस अब जो ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और गुड सेंट और गुड्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन दी हुई है ये प्राइस पर इनमें हाल हमें स्टॉक की कॉस्ट और लोडिंग इसका गुड सेंट की कॉस्ट और लोडिंग मालूम करना होगी और किस तरीके से मालूम करेंगे वही मार्कअप मार्जिन वाले रेट को इस्तेमाल करते हुए लाइक अब यहां पर मार्कअप वाला केस आएगा कि कॉस्ट प्लस 25 परसेंट कॉस्ट बेस है और कॉस्ट 100 परसेंट है और लोडिंग का रेट ट्वेंटी परसेंट है और इनवाइस प्राइस का रेट हंड्रेड परसेंट हो गया आइए जी हम अब कैलकुलेशन देखते हैं इसकी कॉस्ट मालूम करने के लिए आप स्टॉक की कॉस्ट को मालूम करने के लिए थ्री थाउजेंड जो ओपनिंग स्टॉक है उसको डिवाइड कर रहे हैं 125 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको याद होना चाहिए कि 100 परसेंट जो है ये कॉस्ट की परसेंटेज है और 125 ट्वेंटी इनवाइस की परसेंट है तो 3000 जो के इनवाइस प्राइस है उसको जब हमने 125 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक की इसी तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी देखते हैं एट थाउजेंड रुपीज इन वाइस प्राइस तो परसेंट इसको एट थाउजेंड को इसकी अपनी परसेंटेज यानी कि वन ट्वेंटी फाइव से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए वन हंड्रेड से यह हंड्रेड परसेंट जो है यह कॉस्ट की परसेंटेज है तो हमारे पास आ गया सिक्सटी फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड रुपीज जो है ये कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक की लें जी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी आ गई और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी आ गई अब करने का काम क्या है अब हमें गुड्स सेंट टू ब्रांच जो इनवाइस प्राइस पर दी हुई है उसमें चेक करना कि लोडिंग कितनी है और इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच एज वेल जहां जहां पर गुड्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वो सेंड हो रिटर्न हो ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो इन पर आपने कॉस्ट और लोडिंग की कैलकुलेशंस जरूर करनी है स्टॉक के बारे में तो आई हैव टोल्ड यू द वेरी सिंपल थिंग इज के स्टॉक्स विल बी शोन एट कॉस्ट और उसमें लोडिंग की रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं रह जाती क्योंकि हमने शो ही कॉस्ट पर किया है Whereas, तो दीज टू इंफॉर्मेशन आर शोन इन द ब्रांच अकाउंट एट देयर इनवाइस प्राइस और चूंकि हम इनवाइस प्राइस पे इसको शो कर रहे हैं तो हम उसकी लोडिंग भी यहां से रिवर्स करेंगे ठीक है तो अब इसकी लोडिंग को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको स्लाइड शो करता हूं इसमें जी हम नेट ऑफ करेंगे सेंट को गुड्स रिटर्न के साथ देखिए गुड्स सेंड की इन प्राइस थी ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज और गुड्स रिटर्न की इन प्राइस थी वन फिफ्टी रुपीज इसको नेट ऑफ करें तो हमारे पास नेट अमाउंट आएगी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज अब ये ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज इज द इन प्राइस ऑफ द गुड्स सेंड टू ब्रांच नेटेड ऑफ गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस तो वो जो नेट अमाउंट हमारे पास आ गई 23,850 है तो बहरहाल इनवाइस प्राइस उस इनवाइस प्राइस को हम इनवाइस प्राइस की परसेंटेज यानी 125 से डिवाइड करेंगे और 25 यानी कि लोडिंग की जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट दैट इज 4,770 रुपीस ये हमारे पास आ गई जी लोडिंग जी अब साथ ही अब आप दूसरी स्लाइड देखिए जिसमें कि हमने ब्रांच अकाउंट बनाया हुआ यह लाहौर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इसमें ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट आपको नजर आ रहा है ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवाइस नजर आ रही हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिस फोर्टी फाइव के नजर आ रहे हैं डेबिट साइड पर यह सारी चीजें आएंगी टोल्ड यू अर्यर कि हमने जितने भी ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग कैश ओपनिंग एसेट जितने भी होंगे डेबिट साइड पर लिखने हैं इसके बारे में चूंकि मैं डिटेल से गुफ्तगु कर चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं करते और गुड सेंट और कैश सेंट को मैंने एज्यूम किया हुआ है आपको ये चीज डिटेल से बताई हुई है कि ये हमारी फ्रेश कैपिटल होती है लिहाजा इसलिए चौबीस हजार चार हजार पांच सौ की फिगर्स हम यहां पर लिखते हैं ब्रांच को डेबिट कर रहे हैं लाहौर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चलते हैं वहां पर जो कैश हमें रिसीव हुआ हमें यानी के हेड ऑफिस को जो कैश रिसीव हुआ ब्रांच से दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज और जो गुड्स रिटर्न हुई इन वाइस प्राइस पर दैट इज वन फिफ्टी रुपीज ये भी क्रेडिट साइड पर लिखी जाएंगे और दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर के जो भी कैश रिसीव होता है और गुड्स रिटर्न होती है इसको हम ड्राॅइंग के तौर पर लेते हैं और ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं लिहाजा ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आपको नजर आ रही है और अब एक एडजस्टमेंट लोडिंग की जो कि हमने गुड सेंट टू ब्रांच के अंदर शामिल की हुई थी और गुड्स रिटर्न के अंदर शामिल थी उसकी नेट ऑफ जो अभी मैंने आपको बताया वर्किंग के अंदर नेट के ऑफ करके हम उसकी लोडिंग कैलकुलेट करते हैं फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी वो गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से ही इधर लिखती जाएंगी उसे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए रिवर्सल ऑफ लोडिंग तो जी रिवर्सल ऑफ लोडिंग आपको ऑन गुड सेंट 4770 की नजर आ रही है और अब जी आपने क्रेडिट साइड पर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट जो कि है 6400 रुपीस की अब जब के हम तमाम इंफॉर्मेशन पुट कर चुके तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं देखिएगा प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 5420 थाउजेंड ये है जी हमारे पास लाहौर ब्रांच का प्रॉफिट लें जी आपको अब ब्रांच अकाउंट बनाने में जो दिक्कत मैक्सिमम आ सकती थी वो भी मैंने बता दी वो क्या थी कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज अब परसेंटेज हमें मालूम है या मार्कअप बेस्ड हो सकती है या मार्जिन बेस्ड हो सकती है और माशाल्लाह से हम बड़े प्रोफिशेंट हैं इस मार्कअप मार्जिन मार्जिन की कैलकुलेशन के अंदर अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं ब्रांच अकाउंटिंग के रेफरेंस में वो था कि डिपेंडेंट ब्रांच के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम डेटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इनकम स्टेटमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उनमें से डेटर सिस्टम एंड इनकम स्टेटमेंट सिस्टम हम पढ़ चुके डाटा सिस्टम है सिंपली वी है उसमें हमें डाटा का अकाउंट बाज बनाने की जरूरत है क्योंकि के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं ब्रांच अकाउंट में इसलिए हम इसको डेटर सिस्टम का नाम दिया करते हैं और टोल जियो के चूंकि बिजनेस साइज छोटा है हमने उस ब्रांच मैनेजर को कहा हुआ है कि आप डेटर का रिकॉर्ड मेंटेन करें कैश बुक मेंटेन करें और बाकी इंफॉर्मेशन हम खुद ही अरेंज कर लेंगे और आपको प्रॉफिट बता देंगे कि आपकी ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया इन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करते हुए हम इनकम स्टेटमेंट सिस्टम के तहत इनकम स्टेटमेंट बनाकर वो जो कन्वर्जन मेथड था सिंगल एंट्री का के सिंगल एंट्री पर बेस्ड इंफॉर्मेशन को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से उठाया और उसको कन्वर्ट कर दिया और इनकम स्टेटमेंट बना दी ये दो काम जी हम सीख चुके अब इससे पहले कि मैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की तरफ लेकर जाऊं एक छोटी सी प्रॉब्लम मजीद सॉल्व कर दूं इसी स्टेज पर दैट इज रिगार्डिंग नॉर्मल एंड एब नॉर्मल लॉस डेटर सिस्टम के तहत नॉर्मल लॉस की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। आपने देखा था एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने किया था जिसमें कि पिल थी वो जो शॉप के स्टाफ मेंबर्स ने कोई चोरी चुकारी कर ली थी उसकी वजह से कोई छोटा मोटा लॉस था इसको नहीं डेटर सिस्टम में कहीं भी रिकॉर्ड किया जाता और आपको याद होगा मैंने इनकम स्टेटमेंट में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं लिया था क्योंकि इसका ऑटो इफेक्ट है इसकी वजह से स्टॉक डायरेक्टली इफेक्ट हो जाते हैं और स्टॉक के इफेक्ट होने की वजह से आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाया करता है क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा प्रॉफिट्स उतने कम होंगे इस रूल को अपने जहन में रखिएगा हाँ अब रह गई बात एब नॉर्मल लॉस की एब नॉर्मल लॉस डेटर सिस्टम में आपको बताना पड़ता है इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करना पड़ती है इनफैक्ट एब नॉर्मल लॉस के पीछे स्टोरी यह है कि यह लॉस ब्रांच से एसोसिएटेड नहीं होता या इस लॉस का बोझ ब्रांच पर नहीं डाला जाता लिहाजा हम इस लॉस को हेड ऑफिस के मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया करते हैं तो हेड ऑफिस के मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने के लिए हम जो अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं उसको आप स्लाइड पर देखिए प्लीज इसमें जी हम एप नॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ द लॉस से और क्रेडिट करेंगे हम ब्रांच अकाउंट को फर्ज कर लें फोर थाउजेंड रुपीस का लॉस है अब हम इसे सपोज करते हैं कि हमने इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस करवाई हुई थी और उस इंश्योरेंस का जो क्लेम एडमिट हुआ वो हुआ जी थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज तो इस एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट जो थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो रहा है उसके लिए हम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को डेबिट करेंगे और एब लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वो इंश्योरेंस क्लेम का डेबिट थर्टी फाइव हंड्रेड और एबनॉर्मल लॉस का क्रेडिट थर्टी फाइव हंड्रेड ऐसा करने से एबनॉर्मल लॉस हमारा थर्टी फाइव हंड्रेड से कम हो जाएगा अब बाकी का कितना रह गया एबनॉर्मल लॉस फाइव हंड्रेड देखिए टोटल एबनॉर्मल लॉस था फोर थाउजेंड का उसमें से 3500 फाइव का क्लेम एडमिट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने अब बाकी का लॉस कितना रह गया फाइव हंड्रेड दिस हंड्रेड अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस लिहाजा हम मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके इस एबनॉमल लॉस अकाउंट को 500 से क्रेडिट कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस सारा का सारा ट्रीट हो गया अकाउंटिंग एंट्री कुछ मुश्किल तो नहीं आपने सिंपली क्या करना है यहां पर याद रखिएगा भले इन प्राइस पर आपको ये लॉस दिया हो आपने इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करनी है और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देनी है टोटल ब्रांच अकाउंट में हंड्रेड परसेंट अमाउंट शो की जाएगी अब ये ब्रांच अकाउंट को जब क्रेडिट होकर एबनॉर्मल लॉस को डेबिट हो रहा है तो नॉर्मल लॉस की जो ट्रीटमेंट है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के नेचर की है लेकिन हम उसको कम कर देंगे जितना इंश्योरेंस क्लेम होगा उससे तो उससे कम करने के लिए हमने इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट कर दिया नॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर दिया समझ रहे हैं ऐसा करके हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस में मजीद जो बाकी बैलेंस बचा हुआ है वो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड ऑफिस का जो है हमारा उसमें चला गया सो so, ये एप लॉस का इफेक्ट आपने जहन में रखना है इनफैक्ट ये एप लॉस हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है ब्रांच अकाउंट में अदरवाइज इसको आप सेंट टू ब्रांच में भी एडजस्ट कर सकते हैं और फिर कहते हैं कि जी गुड सेंड टू ब्रांच देखिए इसकी कहानी जरा कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए हुआ क्या जो गुड सेंड की थी ब्रांच को वो एबनॉर्मली लॉस्ट हो गई जल गई राख हो गई टूट गई एक्सीडेंट हो गया कुछ ऐसी चीज हो गई अब उसमें ब्रांच मैनेजर की एफिशिएंसी को तो नहीं हमें अफेक्ट करना चाहिए ना हम वो ब्रांच मैनेजर को कहते हैं तुम इसकी परवाह नहीं करो तुम समझो कि तुम्हें ये गुड्स रिसीव ही नहीं हुई तो अब चूंकि गुड टू ब्रांच हमने ब्रांच की डेबिट साइड पर लिखी हुई थी तो गुड्स लॉस्ट अगेंस्ट एब प्रॉब्लम वो हमें क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ रही है आप चाहें तो गुड टू ब्रांच को ही क्रेडिट कर दें डायरेक्टली लेकिन याद रखिएगा अगर आप गुड टू ब्रांच को डायरेक्टली क्रेडिट करेंगे तो वहां पर फिर प्राइस सिलसिला आएगा इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आसान करते हुए इस बात को। समझा के आप में इसको करें कॉस्ट करें पर अब आपका आंसर भी ठीक हो जाएगा और कॉन्सेप्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और बुक्स के साथ जब आप इसको देखेंगे लाइक डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स में तो उसमें भी कोई इससे हट के कोई ऐसा क्लैश नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट का ठीक है लिहाजा आपने ये बात सीख ली कि जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा क्वेश्चन में तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले ये पहला सबक है और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को आपने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट करना है क्रेडिट करना है ब्रांच अकाउंट को और फिर जितना इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट और बाकी जो एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एब नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट ये तीन एंट्रीज हैं सिर्फ ओके okay? ले जी अब मुझे तसल्ली है कि आपको एब नॉर्मल लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और इसका ट्रीटमेंट भी समझ में आ चुका होगा अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम देखें जी ये सिलसिला बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम या ज्यादा मेंटेन करने का वो जब से हमने इस सब्जेक्ट को शुरू किया है उस दिन से चल रहा है कि बिजनेस अगर छोटे साइज का है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुख्तर होंगी उसकी बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बढ़ जाया करती हैं और बिजनेस जब एक कंप्लीट बिजनेस की शक्ल में ऑपरेट हो रहा होता है सिस्टमेटिकली उसको ऑपरेट किया जा रहा होता है तो वहां पर एक कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जा रही होती है और एक बहरहाल अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम कर रहे होता है वहां पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत इस वक्त हम जिस स्टेज तक पहुंचे हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम वहां पर फॉलो किया जा रहा है जो ब्रांच बहुत छोटी नहीं है और ना ही कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के काबिल है वहां पर हम फिर यानी कि मीडियम साइज ब्रांच है उस मीडियम साइज ब्रांच में हम कुछ ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया करते हैं वो जो कुछ ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उनमें स्टॉक का रिकॉर्ड भी आ जाता है डेटर का रिकॉर्ड तो हम बहरहाल मेंटेन कर रहे थे कैश के रेफरेंस में भी मैंने आपको बताया कि आप मेंटेन कर रहे हैं अब जो गुड्स वो रिसीव करेगा उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा और स्टॉक पर जो उसके इफेक्ट्स हैं उनको भी वो रिकॉर्ड करेगा और फिर आपको रिपोर्ट कर देगा यानी कि एडिशनली वहां पर अब स्टॉक की तमाम की तमाम अकाउंटिंग की जा रही होगी अब आपके पास जब वो इंफॉर्मेशन आएगी तो आप उस इंफॉर्मेशन की मदद से आप कौन है जी हेड ऑफिस के अकाउंटेंट ये प्रॉफिट जो भी कैलकुलेट होगा ब्रांच का हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगा इन अ वे हेड ऑफिस का अकाउंटेंट उस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा होगा तो अब हेड ऑफिस के अकाउंटेंट के पास जब ये इंफॉर्मेशन आएगी वो हेड ऑफिस का अकाउंटेंट कौन कौन सी बुक्स बनाएगा या कौन कौन से अकाउंट बनाएगा एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को स्प्लिट करके ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो अगर हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ही सिर्फ कह दें तो वो भी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मफहूम पूरे कर देता है लेकिन बहरहाल आप एक अकाउंट भी देख रहे हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने शो कर दिया अब हम इसको अकाउंटिंग एंट्रीज के जरिए से समझते हैं और फिर इसकी मैं फर्दर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैंने अभी जो आपको टी अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए उनमें याद रखिएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ब्रांच डेटर्स अकाउंट है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये चार टी अकाउंट जो हैं ये आपने अपने जहन में रखने हैं इसके अलावा दो टी अकाउंट ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ये भी इन्वॉल्व होंगे लेकिन ज्यादातर जिन टी अकाउंट्स में हमें डिफिकल्टी आएगी वो यही चार टी अकाउंट होंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट एंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट अच्छा जी हमें जब भी गुड्स नजर आ रही होंगी कि भेजी गई हैं ब्रांच को तो क्या ब्रांच स्टॉक में इजाफा होगा या नहीं अब यहां पर आपके डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे और एक और बात बराबर जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि ये अकाउंटिंग एंट्रीज कौन पास कर रहा है हेड ऑफिस का अकाउंटेंट तो हेड ऑफिस का अकाउंटेंट ये देखता है कि गुड्स हमने ब्रांच को भेजी है तो ब्रांच के स्टॉक में इंक्रीज हो गई होगी लिहाजा ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा अब बात आती है कि गुड्स उस ब्रांच से सेल हुई अब जब गुड्स ब्रांच से सेल होंगी तो वो दो तरह की हो सकती हैं सेल्स एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल अगर कैश सेल है तो हम ब्रांच कैश को डेबिट करके ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सेल्स हुई है, ब्रांच स्टॉक को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं एक बात याद रखिएगा यह ब्रांच स्टॉक अकाउंट अब कॉस्ट पर मेंटेन नहीं हो रहा यह ब्रांच स्टॉक अकाउंट इन प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर मेंटेन हो है हम गुड्स जो सेंड कर रहे हैं तो हम उसको भी इनवाइस प्राइस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था कि ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट पर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है वहां से रिकॉर्ड की जाती है तो परफॉर्मर इनवाइस हमने भेजी हमने अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की यस ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट और अब वो ब्रांच से जब सेल होगी कैश पर तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट ब्रांच के स्टॉक में कमी आ गई और उनको अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट पर तो आप देखिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सो so, जब भी सेल होगी तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा जितनी अमाउंट पर सेल हो रही है उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा यहां पर कोई आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी कि जी ये ब्रांच स्टॉक कॉस्ट पर क्रेडिट हो या ब्रांच स्टॉक इन्वाइस पर क्रेडिट हो जो सोर्स डॉक्यूमेंट पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसी इंफॉर्मेशन से आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा ठीक है जी सेल्स के लिए मैं कह रहा हूं स्पेशली अब उस ब्रांच ने सपोजली कैश रिसीव किया डेटर से तो एंट्री क्या होगी ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट मजीद इस बात को भी देखिए कि अगर उस ब्रांच के कस्टमर्स कुछ गुड्स रिटर्न करते हैं तो ब्रांच के स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगी वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट देखो मैं दोबारा एक बात आपको कह दू कि यहां जब तक आप अपने डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इसी तरह कंफ्यूज रहेंगे जैसे इस वक्त आप हो गए स्टॉक इज एन एसेट डेटर इज आल्सो एन एसेट फॉर यू अगर ब्रांच डेटर में इंक्रीज है तो आप उसको डेबिट करेंगे ब्रांच डेटर में डिक्रीज है तो क्रेडिट करेंगे अब सेल्स रिटर्न है ना कस्टमर जब चीजें वापस करता है तो सेल्स रिटर्न है अब सेल्स रिटर्न की सूरत में ब्रांच डेटर को क्रेडिट किया जाना चाहिए या नहीं डेफिनेटली इज डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ डेटर्स दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द डेटर्स अकाउंट अब उससे जो रेसिप्रोकल इफेक्ट है वो स्टॉक को जा रहा है वो स्टॉक में इंक्रीज का बायस बन रही है वो रिटर्न जो है कस्टमर ने चीजें वापस भेजी तो स्टॉक में इंक्रीज हो गई लिहाजा ब्रांच स्टॉक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे जो भी सेलिंग प्राइस थी उसी प्राइस पर दोबारा से कह दे रहा हूं कि यहां पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवाइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पर बनाया जा रहा है इसकी फर्दर क्या शक्ल आगे निकलती है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा फिलहाल जितनी बातें बताई हैं उसमें गुड्स हमने भेजी ब्रांच को ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर दिया ब्रांच से चीजें सेल हुई ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट किया और अगर क्रेडिट पर सेल हुई तो ब्रांच डेटर्स को डेबिट किया अगर गुड्स कस्टमर से वापस आई तो ब्रांच स्टॉक में इंक्रीज हुई ब्रांच स्टॉक को डेबिट किया और डेटर्स को क्रेडिट किया आगे चलते हैं जी अब वो ब्रांच डेटर्स अगर बैड हो जाते हैं तो उस ब्रांच के लिए लॉस है बैड डेट्स का जो कि एक्सपेंस ट्रीट होगा तो हमने ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी तो बनाया था ना तो हम अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे अच्छा नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है वो बताओ बैड डेट्स की नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल ठीक बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट अब वो बैड डेट्स क्या है एक्सपेंस लिहाजा हम ब्रांच एक्सपेंस को डेबिट करके डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं यहां पर ठीक है ब्रांच ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट अकाउंट डेबिट एंड एंड डेटर्स क्रेडिट फॉर बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड एज वेल क्योंकि जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी तो एक्सपेंस है ना उसके लिए भी हम बैड डेट्स को या डिस्काउंट लोड को डेबिट नहीं करेंगे बल्कि ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे सो so जी हमारे पास डेटर से मुताक क्रेडिट सेल्स की बात हो गई कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की बात हो गई सेल्स रिटर्न की बात हो गई इसी तरह से बैड डेट्स की बात हो गई आप देख रहे हैं कि डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट सेट पर नजर आ रही हैं, जो कि ब्रांच एक्सपेंस के नाम से नजर आ रही है आपको और डिस्काउंट अलाउड भी डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ब्रांच एक्सपेंस के नाम से नजर आ रही है और फिर जो सेल्स रिटर्न है वो भी डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ही आपको नजर आ रही है ब्रांच स्टॉक के नाम से क्योंकि इसकी वजह से ब्रांच स्टॉक में इंक्रीज हुई थी तो अब जी आप ब्रांच के डेटर्स अकाउंट का अगर बैलेंस निकालें तो क्लोजिंग बैलेंस मालूम हो जाएगा हम सपोज करते हैं कि ब्रांच के डेटर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस भी है तो ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड पर ही ब्रॉड फॉरवर्ड होगा ना तो अब आप फाइनल शक्ल ब्रांच डेटर्स अकाउंट की देख लीजिए जिसमें कि आपको डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड नजर आ रहा है फिर क्रेडिट सेल्स ब्रांच स्टॉक के अगेंस्ट फिर कैश रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स ब्रांच एक्सपेंसिस के अगेंस्ट और सेल्स रिटर्न अगेन ब्रांच स्टॉक के अगेंस्ट और फाइनली वी आर हैविंग विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ब्रांच डेटर्स तो ये ब्रांच डेटर्स से मुतालिक मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी बता दी टी अकाउंट भी बता दिया अभी बातें हमारी आगे चल रही हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के रेफरेंस में अब नेक्स्ट ये बात आती है कि ब्रांच से गुड्स रिटर्न हो रही हैं हेड ऑफिस को तो जी जब हेड ऑफिस ने चीजें भेजी थी ब्रांच को तो एंट्री क्या पास की थी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट अब अगर रिटर्न होगी तो आप क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे आप पास करेंगे एग्जैक्टली exactly इसके रिवर्स गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कमी वाकई हो रही है इनवाइस प्राइस पे याद रखिएगा ये दोनों एंट्रीज याद रखिएगा अपने इनवाइस प्राइस पे करनी है गुड्स सेंड टू ब्रांच भी इनवाइस प्राइस पे और गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच भी इनवाइस प्राइस पर हां सेल्स या सेल्स रिटर्न की जो ब्रांच स्टॉक में इफेक्ट है वो सेलिंग प्राइस पर आ रहे होंगे ये चीज क्लियर हो गई अभी तक का जो ब्रांच स्टॉक का टी अकाउंट होगा वो कुछ यू नजर आएगा आप देखिएगा इस वक्त के ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा है एट इनवाइस प्राइस और फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट की ही डेबिट साइड पर आपको गुड सेंड टू ब्रांच नजर आ रही है और फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल्स ऑफ गुड्स कैश के अगेंस्ट हो या डेटर्स के अगेंस्ट हो और फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पर आपको सेल्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है और क्रेडिट साइड पर आपको गुड्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है लेकिन जी यहां तक जो बात हुई ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट से मुतल थी अभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट से मुतल कुछ पेचीदा बातें करना बाकी है फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक चोरी हो जाता है तो फिर ब्रांच स्टॉक में जो शॉर्टेज है उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ठीक है जी तो वो जो भी शॉर्टेज होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट ये स्लाइड से कवर कर लीजिएगा नेक्स्ट आती है बात कि हमारे पास जो एक्सपेंसिस थे ब्रांच से मुतल जो हेड ऑफिस ने कैश भेजा ब्रांच एक्सपेंसिस के लिए उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी उसके जी हेड ऑफिस अकाउंटिंग एंट्री ये पास करेगा कि ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट ये वो कैश है जो कि एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हेड ऑफिस ने अपनी डिपेंडेंट ब्रांच को भेजा तो इससे ब्रांच एक्सपेंसेस का अकाउंट अब कुछ यू नजर आएगा कि डेबिट साइड पर आपको ब्रांच डेटर्स के अगेंस्ट बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंस नजर आ रहा है और डेबिट साइड पर ही आपको कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिस के अगेंस्ट एक एक्सपेंस की फिगर बनती हुई नजर आ रही है तो टोटल ऑफ दीज फिगर्स विल नाउ बी ट्रांसफर्ड टू द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में याद रखेगा दिस इज द अकाउंट विच विल गिव अस द फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिस इज इनफैक्ट द प्रोफिट और लॉस अकाउंट मैंने आपको कहा था कि इसे स्प्लिट कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं आपको इसे स्प्लिट नहीं कर रहा नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस के दौरान आपको इसे स्प्लिट करके बताऊंगा कि ब्रांच एडजस्टमेंट को कैसे स्प्लिट किया जा सकता है फिलहाल आप ब्रांच एडजस्टमेंट को इकट्ठा एक ही अकाउंट समझिए इसमें आपको तमाम एक्सपेंसिस आप ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहे हैं तो जितने भी ब्रांच एक्सपेंस का टोटल होगा वो ब्रांच एक्सपेंस को क्रेडिट हो जाएगा और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट हो जाएगा तो ये अकाउंटिंग एंट्री कुछ यू नजर आएगी कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट नेक्स्ट हमें अब ब्रांच स्टॉक में एक सरप्लस नजर आएगा अब जी ये जो ब्रांच स्टॉक में सरप्लस है ये बड़ी परेशान कुन चीज है कि क्या स्टॉक बड़ा पड़ा जो है वो बढ़ जाता है नहीं नहीं स्टॉक कभी भी बड़ा पड़ा नहीं बढ़ता बल्कि ये सरप्लस एक डिफरेंस है इन वाइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जिस एडजस्टमेंट की वजह से हमें कोई सरप्लस या डेफिशिएंसी हो सकती है अब जी यहां पर जो सरप्लस आपको नजर आ रहा है ब्रांच स्टॉक के अंदर वो सरप्लस है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ब्रांच सेलिंग प्राइस एंड इन वाइस प्राइस अब देखिए हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में गुड्स सेंड की थी इन वाइस प्राइस पर और वहां से चीजें सेल कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पर हम फिलहाल ये दो ट्रांजेक्शन ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखते हैं किस तरह नजर आएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुड सेंड टू ब्रांच की वजह से ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ है 120 रुपीज से. और डेटर्स के अगेंस्ट जो हमारी सेल्स हुई हैं उसकी वजह से ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें भेजी थी सारी की सारी बिक गई जीरो क्लोजिंग स्टॉक है तो ऐसी सूरत में अब आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पर तीस रुपए बैलेंसिंग फिगर के नजर आ रहे हैं अब ये तीस रुपए से स्टॉक कैसे बढ़ गया क्यों जी ये डिफरेंस है इनवाइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का तो हम क्या करते हैं जो सरप्लस होता है हमारे ब्रांच स्टॉक में इन वाइस प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस की वजह से उस सरप्लस को हम ट्रांसफर करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इस पॉइंट को समझ सके या नहीं हमारे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एक सरप्लस नजर आएगा वो सरप्लस क्यों अपियर होगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड इनवाइस प्राइस अब वो सेलिंग प्राइस हमारी है एक सौ पचास रुपए प्राइस है एक सौ बीस रुपए हमने इनवाइस प्राइस पर ब्रांच स्टॉक को डेबिट किया और सेलिंग प्राइस पर ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट किया और किया हंड्रेड कि परसेंट चीजें बिक गईं अब जब 100 परसेंट चीजें बिक गईं तो जीरो स्टॉक ऐसी सूरत में में स्टॉक रुपए का इजाफा किस चीज का तो वो इजाफा जो है वो बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट है लिहाजा उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर किया जाए अब जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के मुताबिक हम प्रॉफिट मालूम होता है ठीक है सो so, ये एंट्री अब आपको क्लियर हो गई कि हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज़ ऑफ दिस सरप्लस और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अब जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमें चांद एक इफेक्ट्स مزید दिखाने हैं वो इन ताला तला अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा फिलहाल जो मैंने आपको बताया उसमें ज्यादा एम्फेसिस आपने करना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट पर हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट कंप्लीट समझ चुके ब्रांच डेटर अकाउंट कंप्लीट समझ चुके और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कंप्लीट समझ चुके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाला आई टेल यू अबाउट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करके इसको मजीद अच्छी तरह से परफेक्ट बनाएंगे और फिर इसी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का स्प्लिट करूंगा मैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ से ठीक है जी मुझे इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज